अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की खुशी में सोनीपत में भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई। बीजेपी नेता ललित बत्रा के कार्यालय से शुरुआत हुई शोभा यात्रा की। अलग अलग चौक चौराहों से होते हुए शोभा यात्रा में सांसद रमेश कौशिक, बीजेपी विधायक समेत कई लोग शामिल हुए। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर देश विदेश में खुशी मनाई जा रही है। सोनीपत जिले में भी राम मंदिर बनने की खुशी में श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा की अगुवाई बीजेपी के वरिष्ठ नेता ललित बत्रा द्वारा की गई। शोभा यात्रा बीजेपी नेता ललित बत्रा के सेक्टर 14 स्थित कार्यालय से शुरू हुई, जहां से बीजेपी नेता पैदल चलकर राम का गुणगान और जयकारे लगाते हुए अलग अलग चौक चौराहे होते हुए आगे बढ़े। शोभा यात्रा में सांसद रमेश कौशिक, बीजेपी विधायक मोहन लाल, बीजेपी जिला अध्यक्ष जसवीर सहित पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। जगह जगह पहुंचने पर शोभा यात्रा का लोगों द्वारा राम की जयकारों के साथ फूलों की वर्षा के साथ स्वागत हुआ। इस शोभा यात्रा में शहरवासियों की भारी भीड़ देखने को मिली। शोभा यात्रा में उमड़े लोगों के हुजूम को ललित बत्रा ने उनकी शक्ति और आस्था पर नमन किया और कहा कि लोगों ने जिस तरह से बढ़ चढ़कर इस शोभा यात्रा को सफल बनाया है, इसके लिए वह हमेशा सोनीपत की जनता के आभारी रहेंगे। उन्होंने लोगों को भरोसा भी दिलाया कि प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से अगर उन्हें जनता की सेवा करने का मौका मिलता है तो वह तन मन धन से जिलेवासियों की सेवा करेंगे। सोनीपत के लोगों ने इस रूप में अपना रूप दिखा करके जो मेरा सहयोग किया है, भगवान ने यदि कभी मौका दिया तो ब्याज समेत ये उतारूंगा मैं आपका। जो आपने ये मेरा अपना काज अपने आप करते हैं, वो सिर्फ एक साधन बनाते हैं किसी को काम करने का, राम भजन करने का। राम का साथ जो है राम खुद ही देते हैं। ये सब राम के प्रयास से हुआ है, मेरा कोई इसमें वो नहीं है योगदान। सिर्फ कहते ना करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, सिर्फ मेरा नाम हो रहा है और मैंने कुछ नहीं किया है। ये यात्रा जो सफल हुई है, सारे सोनीपत पूरे जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, जितनी भी मार्केट्स हैं, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सबके सहयोग से ये जो है यात्रा पूरी हुई है। ललित बत्रा ने इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि जो कांग्रेस प्रभु श्री राम की नहीं हुई वह जनता की क्या होगी। राम मंदिर का भगवाकरण करने के कांग्रेस के आरोपों पर भी उन्होंने पलटवार किया और कहा कि यह राजनीति का मुद्दा नहीं है, हर जगह प्रभु श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, कहीं कोई बीजेपी का नारा नहीं लगा रहा है। राजनीति बाद में है, भगवान पहले है। तो हम तो भगवान के कारण से यहाँ पर जुड़े हैं सब लोग। कोई राजनीतिक कारण से किसी ने भारतीय जनता पार्टी की जय लगाई है, बताइए मुझे एक भी नारा। किसी के पास भारतीय जनता पार्टी का झंडा है, ये तो कांग्रेसी लोगों को तो बहाना चाहिए और वो इसी तरह बहाने के अंदर ही डूब जाएगी कांग्रेस। स्थानीय धार्मिक संस्थाओं ने भी बीजेपी नेता ललित बत्रा द्वारा निकाली गई इस शोभा यात्रा की जमकर सराहना की है और कहा कि उनके प्रयास से आज पूरा शहर एकजुट होकर राम का जयकारा लगा रहा है। समाज में अलग पर्सन है जिनको अभी तक बिना स्वार्थ के भक्ति तथा सनातनी और राजनीति तो एक साइड रहा, जब आएगा तब आएगा। बिना किसी स्थान के हर व्यक्ति के घर घर में जाकर के उनके हाल चाल लेना तथा उनका जो भी विघ्न, जो भी कष्ट, जो भी समस्या है उसको बिना किसी गुप्त भाव से स्पष्टीकरण करके उसका समाधान कर रहे हैं। इससे सोनीपत की हर जनता इनसे इतनी प्रभावित है कि आज बत्रा जी यदि एक हाथ उठाते हैं तो करोड़ों हाथ इनको पकड़ने के लिए खड़ी है। सोनीपत में 22 जनवरी को प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के दिन हर घर में 5-5 दिए जलाए जाएंगे, यानी रामलला के उद्घाटन समारोह को लेकर सोनीपत वासियों में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। सोनीपत से कविता शर्मा की रिपोर्ट, टोटल न्यूज।